हेलो, माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की ये जो वीडियो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, और वो जो टॉपिक है वो है जॉब, नौकरी। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप देखें तो एक आदमी लगभग 80 साल जीता है और लगभग 23 या 25 साल की उम्र में उसकी नौकरी लग जाती है, और लगभग 65 साल की उम्र में, 60 या 65 साल की उम्र में अगर उसके हाथ पैर सलामत हैं तो वह रिटायर हो जाता है। अगर हम परसेंटेज में देखें ना तो लगभग 80% 75-80% ऑफ लाइफ वो सिर्फ नौकरी करता रहता है। 23-25 साल की उम्र से 60-65 साल की उम्र तक लगभग 80% ऑफ द लाइफ वो नौकरी करता है, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 85% लोग अपनी नौकरी को पसंद नहीं करते। और यही जो ये परसेंटेज है ना, अगर हम जापान और चाइना जैसी कंट्रीज़ में जाएँ तो ये जो परसेंटेज है ये 94% भी हो जाता है। वो ये उन लोगों का परसेंटेज है जो लोग नौकरी को करना पसंद नहीं करते बट फिर भी वो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 90% लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते और 80% ऑफ देयर लाइफ दे स्पेंड इन जॉब, नौकरी करते हैं। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द लाइफ वो कुछ ऐसे काम में पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हैं जिस काम को करने में उनको मज़ा ही नहीं आ रहा। मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो कुछ स्टैटिस्टिकल बातें हो गई, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही निकालना चाहते हैं? और अगर आप गलती से ये सोच रहे हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँगा, तो वो तो बिल्कुल ही भूल जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ज़िंदगी का क्या पता कि 65 साल भी जब आपकी रिटायरमेंट एज होगी तब तक आप जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। कहने मतलब यह है कि जिस हिसाब से एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, फूड इज़ पॉल्यूटेड, बहुत कम चांसेस है कि आप 65 साल भी जी पाएंगे। देखिए, इस वीडियो के थ्रू बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि डोंट लिव फॉर दी वीकेंड्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जो नौकरी करते हैं और नौकरी को पसंद नहीं करते हैं ना, तो छोड़ दीजिए, क्विट इट। देखिए, ये बोलना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके मंथली कुछ लोन चल रहे होंगे, आपके मंथली कुछ बिल पे करने होंगे, बच्चे की फ़ीस होगी, मंथली एक्सपेंसेस होंगे, बहुत सारे बंदे हुए खर्चे होते हैं। बट अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, दिस इज़ नॉट अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट लाइफ। ये सवाल कुछ चंद रुपयों का नहीं है कि कुछ चंद रुपये कमाने के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी दांव पे लगा रहे हैं, वो है अपनी खुद की 80% ज़िंदगी। कुछ नया काम ढूंढिए, कमाने का एक नया ज़रिया ढूंढिए। कोई बात नहीं, अगर आप कल सुबह सो के उठते हैं और आपके पास रुपया नहीं होता, एटलीस्ट यू गेट अ चांस टू री इन्वेंट योर सेल्फ। एक रिफ्रेश बटन को क्लिक करने का मौका है आपके पास, वो करिए जो आप हमेशा करना चाहते हैं। देखिए, सही टाइम का अगर आप वेट कर रहे हैं ना कि जब सही टाइम आएगा, जब ऐसा हो जाएगा, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब मैं ऐसा कोई डिसीजन लूँगा, तो देखिए सही टाइम ना कभी नहीं आएगा। द राइट टाइम इज़ नाउ। मैं ये नहीं बोल रहा कि इमीजिएटली आप अपनी जॉब छोड़िए, ऑब्वियसली सम प्लानिंग शुड बी देयर, बट स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम टुडे। अगेन, इस बात पर डिस्कस करते हैं कि ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए एक बार सोचते हैं कि जैसे आपने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करी और नौकरी में लगे, क्या आप सिमिलरली चाहते हैं कि आपके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में लगें और 80% अपनी ज़िंदगी निकाल दें वो काम करने के लिए जो काम करने से उनको बिल्कुल खुशी नहीं मिलती? सिर्फ चंद रुपए कमाने के लिए आप अपने बच्चों की लाइफ के दाव पे लगाएंगे? देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे बड़े होंगे, इंजीनियरिंग करें, पढ़ाई करें, उसके बाद जॉब में लग जाएं। बट दिस मेंटेलिटी स्लोली 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 फेडिंग अवे। आजकल हर एक फील्ड में इतना ज़्यादा स्कोप है, अगर आपका कोई कुछ भी पैशन है उस पैशन के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। जस्ट एक चीज़ की कमी है, वो है द राइट माइंडसेट। आपके बच्चे भले ही कम रुपया कमाएं बट एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी टू सी देम लिविंग देयर ड्रीम। इट डजेंट मैटर कि आप कितना रुपया कमाते हैं अभी, इट डजेंट मैटर कि आप किसी कंपनी के CEO हैं या फिर एक कंपनी के चपरासी क्यों ना हो, अल्टीमेटली सबको मिट्टी में मिल जाना है। दैट्स अ रियलिटी। बट डरिए उन लोगों से जिनको आपको लगता है कि वो लोग आपको बोलेंगे कि यार इतनी अच्छी नौकरी थी क्यों छोड़ी, यार इतना अच्छा रुपया कमाते थे क्यों छोड़ा, यार मंथली बिल कैसे पे करोगे। मत डरिए उन लोगों से। अगर आपने सोच लिया है, ऑब्वियसली एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आपने सोच लिया है कि आप अपने कमाने का जरिया चेंज करने वाले हैं, अपने पैशन को जी के करेंगे, इट डजेंट मैटर अगर आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं भी है ना, एटलीस्ट छोटी गाड़ी में बैठ के खुश तो हैं, एटलीस्ट छोटे घर में खुश तो हैं। बड़े घर में 80% ऑफ लाइफ अगर आप स्पेंड कर रहे हैं अपने ऑफिस में, तो वो सेंस नहीं बनता है। डू समथिंग विच यू लव एंड प्राउड ऑफ इट। एक्चुअली ये जो वीडियो का जो कॉन्टेंट है, दिस इज़ माई वाई,
आई स्विच्ड फ्रॉम जॉब टू अ बिजनेस. कहने के लिए टर्म बिजनेस है, बट कहने के लिए मेरे लिए दिस इज़ नॉट बिजनेस, दिस इज़ माई ड्रीम. बिजनेस करना मेरे लिए एक सोर्स ऑफ फ्रीडम है. आई नेवर कंपेयर कि मैं जॉब में कितना रुपया कमाता था और अभी बिजनेस में कितना रुपया कमाता हूँ. ऐसा भी कहते हैं कि देखिए, सिर्फ मनी माइंडेड जो लोग होते हैं ना, वो लोग इस टाइप का डिसीजन लेने में थोड़ा सा घबराते हैं. मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मनी शुड बी इन योर वॉलेट, नॉट इन योर माइंड. ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है ये, बिकॉज ये सवाल सिर्फ उन मंथली रुपये का नहीं है जो आपके पास आ रहा है, ये सवाल है हमारी लाइफ का. लाइफ में 80% ऑफ द टाइम जीना चाहेंगे अपने लिए या किसी और के ड्रीम्स पूरा करने के लिए जीना चाहेंगे. देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग डिसीजन. अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आपके बच्चे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डिसीजन होता है. बहुत मुश्किल से ये लिया जाता है कि लेट्स क्विट जॉब एंड फाइंड सम अदर वे टू अर्न मनी. बहुत मुश्किल होता है ये सब सोचना, और करना और ज़्यादा मुश्किल होता है. बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर आपका जुनून पक्का है और यू लव योर लाइफ मोर देन योर जॉब, देन समहाउ कुछ ना कुछ क्लिक करेगा और कुछ ना कुछ आप कर ही लेंगे. आप एक बार मैदान छोड़ के दूसरे मैदान में आइए तो दूसरा मैदान रियली में बहुत बड़ा है. इट्स ऑल अप टू यू. अगर आपका जुनून पक्का है और रियली में अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं ना, देन क्विट समथिंग वेयर यू डोंट एन्जॉय. बिजनेस इज़ माई सोर्स ऑफ फ्रीडम. अपने आपसे क्वेश्चन पूछिए कि क्या ऐसी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाई जाए जिसे स्लोली 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 ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली यू वुड बी एबल टू क्विट योर जॉब आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स. फ्यू ईयर्स बहुत टाइम हो जाएगा, फ्यू मंथ्स में कुछ प्लान करिए, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करिए आज ही से. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका माइंड उसको नहीं देख पा रहा. कोई मेरे से पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, तो मैं उनको सिंपल से इतना ही बोलता हूँ कि आसपास में बहुत सारा सोना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मैं लोगों को बताता हूँ कि सोने को देखें कैसे, हाउ टू सी द अपॉर्चुनिटी. देखिए, मैं जिस बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ वो बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग का है. नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ सोर्स ऑफ माई फ्रीडम एंड आई एम रियली एन्जॉइंग माई फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी. मैं इस वीडियो के थ्रू ये नहीं बोलना चाहूँगा आपको कि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करें, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के लिए नहीं है. इट इज़ ओनली फॉर द ड्रीमर्स. ओके, सो बट थ्रू दिस वीडियो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू फाइंड अनदर वे ऑफ इनकम. तो इस वीडियो को एंड करते हुए बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से अपने आप से पूछिए, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, योर लाइफ और योर जॉब. सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कुछ व्यूज़ दे सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. इस वीडियो को अपने नोन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, सो दैट क्या पता इस वीडियो के थ्रू उनको भी हेल्प मिले कि दे कम आउट ऑफ द रेट रेस. हेल्प देम थ्रू दिस वीडियो. माई नेम इज़ तरुण अग्रवाल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ.